देखो प्यारे दोस्तों, जैसे भिन्नों के अंकों का रूपांतर बताना है, मैं ये आपके ऑप्शन है और मैंने बताया था आपको परसेंटेज वाला जो मेथड है वो सबसे अच्छा है, लेकिन इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। इनमें नहीं है कि एक तरफ है सिंपल सी है, जैसे मैंने बताया था आपको, अगर इसमें 2 से गुणा करनी तो सब में भी 2 से 10 है, तो अपने हिसाब से बना दो। अब देखो कैसे करना, 110 ऐसा सपोज करो, 17 से भाग दोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो 1 0 बता लो तो वो सब में लगानी। ये 17 सीखा, 102 लग बता 6%, 63 से जब इसे भाग दो कितनी बार कटेगा, लगभग लगभग भाग मोटा मोटा सा भाग देना, 18 36 37 6% ये भी 6 ये भी 6 फिलहाल 728 4%। जैसे इसे 30 मान लो या 29 मान लो, 30 है लगभग लगभग 7%। तो और वही करना मतलब हो, पहले सबसे छोटा फिर उसका बड़ा फिर उसका बड़ा फिर उसका बड़ा, ये तो हो। और सबसे छोटा कौन सा इनमें 4% है, बीच में कैसे आ जाएगा सबसे छोटा, कटो बीच में कैसे आ जाएगा कटो सबसे शुरू में, बढ़िया बात। यहाँ भी सबसे अब देख लो ये दो ऑप्शन, ये तो सही दे रखे आप जगह देखना, हमें सबसे बड़ा कौन सा 21 बताओ 29 है, यही तो है, ये तो छोटा नहीं है, आपका आंसर खत्म। या लगभग 100% से भी कर सको, 2 के गुणा 4 के गुणा से भी कर सको, 1 0 लगा दी तो आपको इजी पड़ गया। और 17 से आप 11 को भाग देते पॉइंट को, ये तो देखते ये जल्दी जल्दी नहीं होगा 6% लगभग 6%, ये तो कहीं भी कुछ नहीं होगा, आपका आंसर तीसरा।